ओ हेनरी की क्रमबद्ध श्रृंखला में आप सबका स्वागत है और आज मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ कहानी कैलियोप का हृदय परिवर्तन। कैलियोप कैट्स भी आज अपने आपे में नहीं था, उस पर गहरी उदासी छाई हुई थी। यह अंतरिप जिसे दुनिया कहकर भी पुकारा जाता है, विशेष तौर से उसका क्विक सेट कहलाने वाला भाग उसकी दृष्टि में किसी हानिकारक गैस के समूह से अधिक कुछ भी नहीं था। आधा सीसी का दर्द हो जाए तो तत्वज्ञानी स्वभाषण करके आराम पा लेगा, स्त्रियां रोकर अपना दर्द हल्का कर लेंगी, पूर्व के कमजोर निवासी अपनी स्त्रियों को कपड़ों की कीमत के विषय में डांट फटकार कर मन का बोझ उतार लेंगे, लेकिन क्विक सेट के निवासियों के लिए ये सारे उपाय अपूर्ण थे। विशेष तौर से कैलियोप ने तो अपने मन की गहरी निराशा दूर करने का उपाय अपनी बुद्धि के अनुसार ढूंढ ही लिया था। रात को ही कैलियोप ने आने वाली उदासी की पूर्व सूचना दे दी। उसने अपने ही कुत्ते को ऑक्सीडेंटल होटल के बरामदे में लात मार दी और माफी मांगने से इनकार भी कर दिया। बातचीत में भी वह छिद्रान्वेषी और अहम मन्य हो गया था। इधर उधर भटकते हुए पेड़ों की टहनियां तोड़कर उनके पत्तों को दांतों से चबाने लगा। यह सब अपशगुन थे। उसकी उदास वृत्ति के विविध स्तरों से परिचित लोगों को एक और लक्षण देखकर भी डर लग रहा था। वह था उसका अतिशय शिष्टाचार और औपचारिक शब्दों का प्रयोग। उसके सदा के मर्म भेदी कठोर लहजे का स्थान एक धीमी फुसफुसाहट ने ले लिया था। उसके व्यवहार में एक खतरनाक तकल्लुफ आ गया और उसकी मुस्कुराहट विकृत हो गई, जिससे उसके चेहरे का बायां भाग कुछ तिरछा उठा हुआ दिखाई देने लगा। इन सब लक्षणों से क्विक सेट के निवासियों को आने वाले दुर्भाग्य की पूर्व सूचना मिल गई। ऐसे समय कैलियोप अक्सर शराब पीना शुरू कर देता था। उसी दिन आधी रात के करीब वह घर जाता हुआ दिखाई दिया। रात में मिलने वाले हर व्यक्ति को वह झुक झुक कर आपत्तिहीन सभ्यता से नमस्कार करता जा रहा था। अभी तक उसकी उदासी खतरे के स्तर तक नहीं पहुंची थी। खतरे की घंटी तो तब बजती है जब वह सिल्वेस्टर हजाम की दुकान के ऊपर वाले अपने कमरे की खिड़की में बैठकर सुबह तक बेसुरे दर्द भरे ग्राम गीत गाता रहता है और साथ में गिटार की टांग तोड़ता हुआ शोर मचाता रहा। उसका हृदय सम्राट नीरो से भी अधिक उदार था, इसलिए कुक सेंट आने वाली आपत्ति की संगीतमय सूचना वह पहले ही दे दिया करता था। वैसे तो कैलियोप कैट्स भी एक शांत और मिलनसार आदमी था, आलस की सीमा तक शांत और निकम्मेपन की हद तक मिलनसार। ज्यादा वह आवारा और उत्पाती था, पर बिगड़ने पर क्विक सेट के लिए साक्षात यमदूत। उसका प्रत्यक्ष पैसा था किसी मकानों के दलालों के यहाँ नौकरी करना। सीधे साधे पूरब के निवासियों को वह मकान, जमीन या गोचर दिखाने ले जाया करता था। दरअसल वह दक्षिण का निवासी था। उसका दुबला पतला 6 फुट लंबा ढांचा, बोलने का अस्पष्ट ढंग और गंवारू मुहावरे इस बात का प्रमाण था। परंतु फिर भी इस पश्चिमी प्रदेश में आकर बसने के बाद दक्षिण के रुई के खेत और नील की झाड़ियों में भटकने वाले इस आलसी, निकम्मे और गंवार आदमी ने उन लोगों की नज़रों में एक गुंडे की सी शोहरत पा ली थी, जो जीवन भर गुंडागिरी की कला का अध्ययन करते रहते हैं। दूसरे दिन सुबह 9 बजे वह बिल्कुल तैयार हो गया। अपने जंगली गीतों से और बोतल भर शराब से प्रेरित होकर क्विक सेंट के निरुत्साही लोगों से नवीन विजयश्री छीन लेने को वह तैयार था। कमर में कारतूसों के आढ़े टेढ़े गोल पट्टे बांधे हुए, कई बंदूकों से लेस, गले तक नशे में डूबा हुआ वह क्विक सेट के बाजार में निकला। वह इतना उदार था कि शहर को चकित करके चुपचाप घेरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने नुक्कड़ पर आकर रंग भेरी बजाई।
स्टीम पियानो के समान कर्कश चित्कार ही उसका नारा था, जिसने उसके लिए जन्म के नाम को मिटाकर कैलियोप जैसा श्रेष्ठ नाम कमाया था। चित्कार के साथ ही उसने अपनी बंदूक से 3 गोलियां छोड़ी, कुछ तो निशाना आजमाने के लिए और कुछ बंदूक को गरमाने के लिए। ऑक्सीडेंटल होटल के मालिक कर्नल स्वाजी का पीला कुत्ता आखिरी बार भौंक कर धूल चाटता हुआ जमीन पर आ गिरा। ब्लू फ्रंट के स्टोर में से हाथ में केरोसिन की बोतल लेकर सड़क पार करता हुआ एक मैक्सिकन यकायक जोर से भागा। अभी तक उसके हाथ में टूटी हुई बोतल का सिरा पकड़ा हुआ था। जज रॉयली के पीले और नीले रंग के 2 मंजिले मकान पर लगा हुआ चमकीला वायुदर्शक पंखा कांपा, लड़खड़ाया और टूटकर नीचे की ओर लटक गया। तूफान आने पर भी यही हालत होती है। कैलियोप की बंदूक तैयार थी और हाथ सधा हुआ। युद्ध का स्वाभाविक उल्लास उस पर छाया हुआ था। यदि कड़वाहट या उदासी थी तो सिर्फ इतनी कि सिकंदर के समान उसकी विजय का प्रदेश भी क्विकसैंड की छोटी सी दुनिया से मर्यादित था। चारों तरफ गोलियां चलाता कैलियोप आगे बढ़ा। कांच के टुकड़े ओलों के समान बरसने लगे, कुत्ते इधर उधर भौंकने लगे, मुर्गे कुकड़ुकू करते हुए पंख फड़फड़ाने लगे और गली में खेलते हुए बच्चों को पुकारने के लिए चिंता युक्त जनानी आवाजें चीखने लगी। इस सब शोरोगुल के बीच बीच में कैलियोप की बंदूक की गूंज उठती और यह गूंज भी कभी कभी उस चित्कार में डूब जाती जिससे क्विकसैंड के निवासी भली भांति परिचित थे। जिन दिनों कैलियोप पर इस तरह की उदासी छा जाती उन दिनों क्विकसैंड में कानूनन छुट्टी घोषित कर दी जाती थी। जिस गली में उसका आगमन हो जाता दुकानों के नौकर खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देते, कुछ समय के लिए कारोबार बिल्कुल बंद हो जाता। मार्ग में सबसे पहले चलने का अधिकार उसी का था। विरोध के अभाव में और ध्यान बटने का कोई जरिया न होने से उसकी उदासी और भी गहरी हो जाती। परंतु आज 4 चौक आगे श्रीमान कैट्सबी को बंदूक से बंदूक का जवाब देने और उनके मारपीट के शौक का स्वागत करने के लिए जोर शोर से तैयारियां हो रही थीं। पिछली रात ही शहर कोतवाल बक पीटरसन के पास कैलियोप के आसन विस्फोट का समाचार लेकर कई अर्दली आ चुके थे। कोतवाल साहब अब तक इस गुंडे के कारनामे सहन करते रहे, परंतु अब उनकी सहिष्णुता की सीमा आ चुकी थी। मनुष्य के स्वाभाविक उबाल को क्विकसैंड के निवासी सदा से कुछ नज़रअंदाज कर देते थे, बशर्ते कि शहर के शांतिप्रिय निवासियों के जीवन से व्यर्थ खिलवाड़ न किया जाए और उनकी संपत्ति को बेकार नष्ट न किया जाए। शहर के निवासियों की भावना कानून के सख्त प्रवर्तन के खिलाफ ही रहती थी, परंतु कैलियोप यह सीमा लांघ चुका था। उसके आवेग आजकल इतने अधिक और हिंसक होने लगे थे कि वे मनुष्य के स्वाभाविक और स्वस्थ आवेश के दायरे में नहीं आ सकते थे। अपने छोटे से कमरे में बैठा हुआ बक पीटरसन कैलियोप की नाराजगी की घोषणा करने वाली उस चित्कार की प्रतीक्षा कर रहा था। यह संकेत मिलते ही वह उठ खड़ा हुआ और उसने अपनी बंदूकें संभाल ली। 2 दरोगा और 3 अनुभवी बंदूकबाज नागरिक कैलियोप की गोलियों का मुकाबला करने उसकी मदद के लिए आ गए थे। व्यूह रचना करते हुए बक पीटरसन ने आदेश दिया, उसे घेरे में ले लो, बोलना बिल्कुल नहीं और दिखाई देते ही गोली चला देना, अपने आप को बचाकर उस पर वार करना। वह नंबरी बदमाश है, परंतु मुझे विश्वास है कि अब की बार उसे धूल चाटनी पड़ेगी। चारों ओर बिखर कर उसे घेर लो और देखो लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतना, क्योंकि कैलियोप का निशाना कभी खाली नहीं जाता। लंबा गठीला शरीर, गंभीर मुंह और आसमानी कमीज पर कोतवाल का पद सूचक चमकता बिल्ला लगाए हुए बक पीटरसन ने अपने साथियों को कैलियोप पर धावा बोलने की सूचनाएं दे दी। योजना यह थी कि आक्रमणकारियों को यथासंभव नुकसान न पहुंचकर भी उस यमदूत का पतन हो जाए। बदले की तैयारियों से बेखबर उन्मुक्त
धुआंधार गोलियों की बौछार करता आगे बढ़ रहा था कि एकाएक उसके सड़क के बीच में आड़ लगाई हुई दिखाई दी। कुछ खाली बक्सों के पीछे छिपकर कोतवाल और उसके एक साथी ने गोली चलाई। उसी समय दल के अन्य लोग बिखर गए और सावधानी से कदम बढ़ाते हुए इधर उधर की गलियों के मार्ग से कैलियो को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। गोलियों की पहली बौछार से कैलियोप की बंदूक का घोड़ा टूट गया। उसका दाहिना कान नीचे की ओर से थोड़ा चिर गया और कमर में लगे कारतूसों में से एक के फूटने से उसकी पसलियों में खरोंच आ गई। कैलियोप के लिए इन बातों ने मानसिक संताप से राहत देने वाली ताकत की दवा का काम किया और कमर कसकर अपने स्वाभाविक ढंग से चित्कार करते हुए उसने प्रतिध्वनि के समान गोली का जवाब गोली से दिया। कानून के रक्षकों ने बचने की कोशिश की, परंतु एक दरोगा की कोहनी के नीचे एक गोली लग गई और गोली खाकर उड़े हुए लकड़ी के एक टुकड़े के लगने से पेटरसन साहब के गाल में से रक्त की धारा बह निकली। कैलियोप ने अब दुश्मन के हथकंडों का मुकाबला किया। एक क्षण में उसने यह निश्चय कर लिया कि किस मोर्चे में आने वाली गोलियों की बौछार सबसे कमजोर और लक्ष्यहीन है और बीच सड़क से भागकर उसने दुगने आवेश से उस ओर धावा बोल दिया। असाधारण धूर्तता से उस दिशा के विरोधी पक्ष ने, जिसमें एक दरोगा और दो बहादुर स्वयंसेवक थे, लकड़ी के डिब्बों के पीछे कुछ देर छिपे रहकर कैलियोप को आगे बढ़ जाने दिया और पीछे से उस पर हमला बोल दिया। दूसरे ही क्षण कोतवाल साहब और उनके साथियों ने कुमुक पहुंचाई और कैलियोप को यह सोचने पर विवश कर दिया कि यदि युद्ध का आनंद लंबे समय तक जारी रखना हो तो उसे अपने विरोधियों का बल कम करने का कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढना पड़ेगा। उसकी नज़र एक ऐसे स्थान पर पड़ी जो उसकी आवश्यकता को पूरा कर सकता था, बसरते कि वह वहां पहुंच जाए। पास ही छोटा सा रेल का स्टेशन था। प्लेटफार्म पर जमीन से कोई 4 फुट ऊंचा बना हुआ छोटा सा लकड़ी का मकान था, जिसकी हर दीवार में एक खिड़की थी। भारी संख्या में विरोधियों से घिरे हुए किसी व्यक्ति के लिए तो वह एक किले का काम दे सकता था। कैलियोप ने बहादुरी के साथ तेजी से उसी ओर दौड़ लगाई। कोतवाल की सेना ने गोलियों के धुएं से उसे घेर लिया। अपने आश्रय स्थान तक वह निरापद पहुंच गया। जो ही शूरमाओं का दल वहां पहुंचा, स्टेशन मास्टर साहब गिलहरी की तरह खिड़की से कूदकर भाग गए। पेटरसन और उसके साथियों ने भी मलबे के एक ढेर के पीछे अपना मोर्चा लगाया और विचार विनिमय करने लगे। स्टेशन के मकान में एक निर्भीक गुंडा छिपा है जिसका निशाना अचूक है और जिसके पास काफी बारूद भी है। घिरे हुए किले के चारों ओर कोई 30-30 गज तक बिल्कुल खुला मैदान है। स्पष्ट है कि जो व्यक्ति उस आरक्षित क्षेत्र में पांव रखेगा वह कैलियोप की गोली का निशाना बन जाएगा। कोतवाल दृढ़ था। उसने निश्चय कर लिया था कि दोबारा क्विकसैंड की गलियों में कैट्सबी की चित्कार कभी नहीं गूंजने दूंगा। वह इस बात की घोषणा भी कर चुका था। सरकारी और व्यक्तिगत दोनों तौर से वह इस बात को अपना कर्तव्य मान चुका था कि गड़बड़ी के स्रोत इस गुंडे पर वही रोक लगाकर रहेगा। उसने सबको अब तक बहुत परेशान कर दिया था। पास ही में छोटा मोटा सामान ढोने का एक ठेला पड़ा था। वहीं पर चरागाह से शहर में भेजने के लिए कई बोरे ऊन के रखे हुए थे। ठेले पर कोतवाल और उनके साथियों ने ऊन के 3 बड़े-बड़े बोरे लादे। आत्मरक्षा के लिए इन बोरों के पीछे झुका हुआ बक पैटरसन ठेले को धीरे धीरे आगे खिसकाता कैलियोप के किले की तरफ बढ़ा। उसके साथी चारों ओर बिखर कर इस तैयारी में खड़े हो गए कि घिरा हुआ शिकार यदि अपनी ओर सरकने वाले कानून के उस पहरेदार को चकमा देने की कोशिश करे तो वे उसे रोक लें। कैलियोप ने सिर्फ एक बार अपनी झलक दिखाई। एक खिड़की से उसने गोली चलाई, परंतु कोतवाल के विश्वसनीय कवच से ऊन के कुछ रेशे उड़ने के सिवाय और कुछ नहीं हुआ। दल द्वारा छोड़ी गई गोलियां किले की खिड़कियों से टकराकर शांत हो गईं।
दोनों ओर कोई नुकसान नहीं हुआ। कोतवाल अपने सुरक्षित रथ को आगे बढ़ाने में इतना उलझा हुआ था कि कुछ ही मिनट बाद प्लेटफॉर्म पर आने वाली सुबह की गाड़ी की बात ही भूल गया। वह प्लेटफॉर्म से कुछ ही दूरी पर था कि दूसरी तरफ से गाड़ी आती दिखाई दी। गाड़ी यहाँ एक ही मिनट रुकती थी। ओफ, केलियोप के लिए यह कितना सुंदर अवसर था। पिछले दरवाजे से एक कदम बाहर निकलो, गाड़ी में चढ़ो और चल दो। उस कवच को एक और फेंक कर बक पेटरसन बंदूक संभाले आगे बढ़ा और कमरे के जीने पर आ खड़ा हुआ। अपने दृढ़ कंधे के एक ही धक्के से उसने दरवाजा खोल दिया। उसके साथियों को कमरे में गोली की आवाज सुनाई दी और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। कुछ समय बाद घायल व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली। थोड़ी देर तक सुन्न रहने के बाद उसमें देखने, सुनने, सोचने और समझने की चेतना लौटी। चारों ओर आंखें दौड़ाते हुए उसने देखा कि वह लकड़ी के तख्ते पर पड़ा हुआ था। उद्विग्न मुख वाला एक लंबा आदमी जिसके सीने पर शहर कोतवाल का पद सूचक बिल्ला लग रहा था उसके ऊपर झुका हुआ था। काले कपड़े पहने, झुर्रीदार चेहरे वाली और काली चमकती आंखों वाली एक बुढ़िया उसकी एक कनपटी पर गीला रुमाल फेर रही थी। घायल परिस्थिति को समझने और बीती घटनाओं के साथ उसका सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर ही रहा था कि बुढ़िया बोली, वाह रे मेरे बहादुर शेर पहलवान, गोली ने तो तुझे छुआ भी नहीं। वह तो तेरे सिर को खरोंचती हुई निकल गई थी जिससे तू बेहोश हो गया। इस तरह की बातें मैंने पहले भी सुनी हैं। इसे झटका लगना कहते हैं। एबल वाइकिन गिलहरियों को इसी तरह मारता था। थोड़ी सी खाल छिल गई और कुछ नहीं, तू तो जल्द ही अच्छा हो जाएगा। काफी ठीक हो भी गया है, क्यों थोड़ी देर चुपचाप पड़ा रहे जब तक मैं तेरा सिर धो दूं। तू शायद मुझे नहीं जानता, पर इसमें अचरज की क्या बात। मैं अभी अभी अपने लड़के से मिलने अलबामा से आई हूँ, इस गाड़ी से। मेरा बेटा भी काफी लंबा चौड़ा है, लगता है जैसे छोटा बच्चा तो वह कभी था ही नहीं। यह है मेरा लड़का। कुछ घूमकर बुढ़िया ने उस खड़े हुए आदमी की तरफ देखा और उसके जीर्ण चेहरे पर गर्व की एक मधुर मुस्कान बिजली की तरह चमक गई। नीली शिराओं से भरे हुए अपने रूखे हाथ में उसने अपने बेटे का हाथ खींच लिया। फिर नीचे पड़े हुए मनुष्य की तरफ उत्साह से मुस्कुराते हुए वेटिंग रूम की टीन की बेसिन में रुमाल डुबो डुबो कर वह उसकी कनपटी पर रखने लगी। बुढ़िया स्वभाव से ही वाचाल थी। 8 साल में मैंने लड़के को देखा तक नहीं है। मेरा एक भांजा है एल्कनाह प्राइस, जो इसी रेलवे में बाबू है, उसने मुझे यहाँ आने का पास ला दिया। मैं यहाँ एक हफ्ते तक ठहर कर उसी पास से वापस जा सकती हूँ। सोचिए तो, मेरा वह छोटा सा बेटा आज कितना बड़ा अफसर हो गया है, पूरे शहर का कोतवाल। यह कोतवाल तो सिपाही जैसी ही कोई चीज होती है ना? मुझे तो मालूम भी नहीं था वह एक अफसर बन गया है। अपनी चिट्ठियों में भी उसने इस बात का जिक्र तक नहीं किया। वह शायद यह सोचता होगा कि मेरे इस खतरनाक काम की वजह से माँ को डर लगेगा, पर नहीं, मैं डरने वाली कहाँ, और उससे फायदा भी क्या है। गाड़ी से उतरते ही मैंने बंदूकों की धड़ाधड़ सुनी और इस कमरे में से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया, पर मैं बिना किसी डर के सीधी यहाँ चली आई। खिड़की में से मैंने मेरे बेटे को झांकते हुए देखा और उसे तुरंत पहचान लिया। दरवाजे पर ही वह मुझे मिल गया। उसने मुझे अपनी बाहों में इतनी जोर से कस लिया कि मेरा तो दम ही निकल गया। तुम वहाँ बेहोश पड़े थे मेरे समान, और मैंने सोचा कि देखूं मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। घायल बोला, मैं अब उठना चाहता हूँ, अब मैं ठीक हूँ। कुछ कमजोरी के कारण दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। वह एक लंबा चौड़ा कठोर और मजबूत आदमी दिखाई देता था।
उसकी स्थिर और तीखी आंखें रह रहकर सामने खड़े हुए मनुष्य की ओर उठ जाती थीं। उसके चेहरे का अध्ययन करते हुए उसकी दृष्टि कभी कभी उसके सीने पर लगे हुए कोतवाल के बिल्ले पर भी जा पड़ती थी, जिसकी बांह को थपकते हुए बुढ़िया बोली, हाँ हाँ तुम जल्दी ही अच्छे हो जाओगे, बशर्ते कि बदमाशी करना छोड़ दो और लोगों को गोली चलाने के लिए मजबूर ना करो। जब तुम जमीन पर बेहोश पड़े थे तब मेरे बेटे ने मुझे सब कुछ बता दिया था। तुम्हारे ही जैसा तगड़ा बेटा मेरा भी है, इसलिए मेरी बातों से यह मत समझना कि मैं तुम्हारे काम में खामखा टांग अड़ा रही हूँ। मेरे बेटे को तुम्हें गोली मारनी पड़ी, इसलिए भी मन में डाहा मत रखना। कानून की रक्षा और अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए अफसरों को ऐसा करना ही पड़ता है और बुरा काम करने वालों को भी यह सहन करना ही पड़ता है। इसलिए भाई मेरे बेटे को दोष मत देना, उसका कोई कसूर नहीं है, वह तो हमेशा से बड़ा अच्छा लड़का रहा है, आज्ञाकारी, दयालु और सदाचारी। अब तुम कहो तो मैं तुम्हें कुछ राय दूं। ऐसा कोई काम फिर कभी मत करना, अच्छे आदमी बनो, शराब छोड़ दो, शांति से रहो, भगवान से डरो, बुरी सोहबत से दूर रहो, ईमानदारी से काम करो और चैन की बांसुरी बजाओ। उपदेश देते समय बुढ़िया ने काले दस्ताने पहने हाथों से घायल आदमी के कंधों को सहलाया। उसका चेहरा बहुत ही निष्कपट और सच्चा दिखाई देता था। फटे पुराने काले कपड़े और जर्जर टोप लगाए वह अपने लंबे जीवन के अंतिम दौर से गुजर रही थी और संसार के अनुभवों की मूर्तिमान प्रतिमा सी दिखाई देती थी। परंतु घायल आदमी तो बुढ़िया के पीछे चुपचाप खड़े हुए उसके बेटे को ही घूर रहा था। एकाएक वह बोला, कोतवाल साहब की क्या राय है? क्या वे भी इस उपदेश को अच्छा मानते हैं? ऐसा है तो अपने मुंह से कह दें। वह लंबा मनुष्य व्यग्रता से कुछ हिला। सीने पर लगे बिल्ले को उंगलियों से टटोलते हुए उसने बुढ़िया को अपनी ओर खींच लिया। वह मुस्कुराने लगी, 60 साल की किसी माँ की शाश्वत मुस्कुराहट। अपनी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों से वह बेटे का मजबूत हाथ थपथपाने लगी। नीचे पड़े हुए आदमी की आंखों में आंखें डालकर वह आदमी बोला, बेशक तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं इस बात को मान लेता। यदि मैं एक निर्लज्ज और निराश पियक्कड़ या गुंडा होता तो मैं जरूर इस बात को मानता। अगर तुम्हारे स्थान पर मैं और मेरे स्थान पर तुम होते तो मैं कहता, कोतवाल साहब मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इस जंजाल को छोड़ दूंगा, मारपीट और लड़ाई और बंदूकबाजी सब कुछ त्याग दूंगा, बेवकूफ़ी छोड़कर मैं एक अच्छा नागरिक बनूंगा और मेहनत करूंगा, ईश्वर मेरी सहायता करे। यदि तुम कोतवाल होते और तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं यही कहता। खुशी में आकर बुढ़िया बोली, सुना तुमने, इसकी बात मान लो, वादा करो कि तुम अच्छे आदमी बनोगे और फिर यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। 41 साल हो गए इसका जन्म हुए और तब से आज तक इसने सच्चाई से कभी मुंह नहीं मोड़ा। लेटा हुआ आदमी खड़ा हो गया और अपने हाथ पांव झटक कर जांचते हुए बोला, यदि मैं कोतवाल होता और तुम ऐसा वादा करते तो मैं कहता, जाओ तुम स्वतंत्र हो, अपना वचन निभाने की पूरी कोशिश करना। एकाएक घबरा कर बुढ़िया बोली, अरे राम, मैं अपनी पेटी तो भूल ही गई। मजूर ने पेटी उतार कर प्लेटफार्म पर तो रखी, परंतु खिड़की से झांकते हुए अपने बेटे का मुंह देखकर मैं तो ऐसी भागी कि पेटी की सुध ही नहीं रही। उसमें खुद के हाथों से बनाए हुए बेल के मुरब्बे की 8 बर्नियाँ हैं। मैं तो उन्हें जान से ज़्यादा जतन करके यहाँ तक बांध के लाई हूँ। चिंतित सी वह फुर्ती से बाहर चली गई। केलियो कैट्सबी ने बक पैटरसन से कहा, माफ़ करना बक, कोई और चारा ही नहीं था। खिड़की से मैंने उसे आते हुए देखा, मेरी आवारागर्दी के संबंध में उसने एक शब्द भी नहीं सुना है। मेरी उसे यह बताने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं समाज द्वारा तिरस्कृत एक निकम्मा आदमी हूँ। गोली लगने से तुम वहाँ बेहोश मरे हुए से पड़े थे। एकाएक
विचार आया और मैंने तुम्हारा बिल्ला तुम्हारे कमीज से खोलकर अपने सीने पर लगा लिया। मेरी शोहरत तुम्हारे सिर थोप दी। माँ से मैंने यही कहा, मैं तो शहर का कोतवाल हूँ और तुम एक भयानक गुंडे। तुम अपना बिल्ला वापस ले सकते हो बग। कांपती हुई उंगलियों से कैलियोप कमीज पर लगा हुआ बिल्ला खोलने लगा। बग पैटरसन बोला, जरा ठहरो, कैलियोप केट्स भी उस बिल्ले को वहीं रहने दो और जब तक तुम्हारी माँ शहर छोड़कर चली नहीं जाती तब तक उसे खोलने की हिमाकत करना भी नहीं। जब तक वह यहाँ रहती है क्विकसैंड शहर के कोतवाल तुम हो। मैं शहर में घूमकर इस बात का बंदोबस्त कर दूंगा। यह रहस्य तुम्हारी माँ के सामने कोई ना खोल सके। और अब ए पाजी नीच गधे, माँ के उपदेश का पालन कर, मैं भी उस पर अमल करूँगा। कैलियोप का गला भर आया। हकलाते हुए वह बोला, बक अगर मैं ऐसा ना करूँ तो मुझसे ज़्यादा। बक चिल्लाया, चुप कर, वह वापस आ रही हैं। तो यह थी कहानी कैलियोप का हृदय परिवर्तन।